मियाँ साहब, आखिर में आप अंजुमन ताजरान के वाइस चेयरमैन की हैसियत से जनरल ट्रेड के जितने भी मेंबर्स हैं आपके और दुकानदार हजरात हैं, उनके लिए कोई पैगाम, और ख़ासकर ये भी कि बाज़ारों में जो मुल्की सियासत दाखिल हो रही है उसको कैसे रोका जाए, ये अपने आप जितने भी दुकानदार हजरात हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें तो पैगाम दें। जी, मैं इस पर स्पेशली मैं अपने तमाम दोस्तों को, अपने ताजरों को, अपने भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि हमने सबसे पहले अपनी ताजर बरादरी को अहमियत देनी है। मेरी जनरल सियासत में मेरी किसके साथ एफिलिएशन है, मैंने जनरल सियासत में किसको वोट देना है, मैं उसमें जितना भी एक्टिव हो जाऊँ, मगर जब मेरी ताजर बरादरी का मसला हो तो मैं एज ए ताजर सबसे पहले अपनी ताजर बरादरी को अहमियत दूँगा। बाज़ारों में तमाम सियासी लीडर्स आते हैं, हर टाइम पर, हर दौर पर, हर दुकानदार की जितनी भी हमारी यूनियंस होती हैं उनमें लोग सबको फूल और हार पहनाते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ताजर एक दूसरे के लीडर्स की भी अहमियत कर उसको इज़्ज़त देते हैं। हमने आपस में ये बात जहन में रखनी है कि सबसे पहले हमने अपनी ताजर बरादरी को जो है उसकी लीडरशिप को अहमियत देनी, क्योंकि हमारी बका हमारी एसोसिएशन में है। हम अपनी एसोसिएशन में मजबूत होंगे तो उसके बाद बात हमारी बाहर भी सुनी जाएगी और समझी जाएगी। तो इसलिए ताजर सबसे पहले अपने आप को ताजर समझें, उसके बाद आप किसी भी सियासी जमात के साथ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे हमारे साथ ज़िले अंजुमन ताजरान के वाइस चेयरमैन मियाँ अब्दुल सलाम साहब। आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी और आपको बहुत सारे उन सवालों का जवाब भी मिला होगा जो अमूमी तौर पर दुकानदार हजरात करते हैं कि अंजुमन ताजरान इतनी फाल क्यों नहीं है, यहाँ पर विरासत चल रही है उहदों की, और ये इनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। फ़ैसला आपने करना है कि कौन हक पर है। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।